कालका उपमंडल के सभी नंबरदारों की मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में पिंजौर, कालका, दून और रायतन के सभी नंबरदार मौजूद रहे। सभी नंबरदारों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आने वाली 18 अगस्त के दिन कालका काली माता मंदिर से जन आशीर्वाद यात्रा में उनकी सबसे अधिक भागीदारी रहेगी। यहाँ पर नंबरदार एसोसिएशन के प्रधान रघुवीर सिंह सोढ़ी, बगाड़नी नंबरदार अक्षर कुमार सहित मीटिंग में भारी संख्या में नंबरदार शामिल हुए। बाद में सभी नंबरदारों ने एकत्रित होकर विधायक कालका लतिका शर्मा से मुलाकात की और उनसे आने वाली 18 अगस्त के दिन जन आशीर्वाद यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की घोषणा की। जो हमारे बहुत ही सम्मानित ऐसे नंबरदार पूरी हमारे पिंजौर ब्लॉक के, जिसमें कालका, पिंजौर, दून और रायतन के नंबरदार हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भाई मनोहर लाल जी में इन्होंने विश्वास जता करके कि उन्होंने नंबरदारों को जो मान सम्मान उनको मिलना चाहिए था उनको दोबारा पुनः हासिल करवाया और उनको एक राशि ही नहीं दी, राशि के अलावा जो मान सम्मान था वो दिया है। और उनके लिए जो आयुष्मान और लैपटॉप की जो स्कीम थी, जिससे आदमी गौरवान्वित महसूस करता है और महसूस करता है कि नहीं, उनकी भी अपनी गरिमा है और हैवी नंबरदारों की एक बहुत अलग गरिमा होती है। और जैसे कि अभी हाल ही में 18 अगस्त को माननीय हमारे मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी माँ कालका मंदिर से आशीर्वाद लेकर के जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आज नंबरदारों ने भी एक मीटिंग करके, मैं उसमें वहाँ पर आज आमंत्रित थी, और यहाँ पर इन्होंने ये विश्वास जता करके कि हम भी अधिक से अधिक संख्या में इस ऐतिहासिक जन यात्रा को, जिसमें भाई मनोहर लाल जी ये यहाँ से आशीर्वाद लेकर के जाएंगे माँ कालका से और शुरुआत करेंगे कालका से पूरे हरियाणा के लिए कि हम 75 से भी ज़्यादा पार आंकड़ा लें, तो जिस विश्वास के साथ वो यहाँ पर आ रहे हैं और कहते हैं कि जिसकी बोनी अच्छी उसका अंत भी अच्छा। तो हमारी कालका विधानसभा एक नंबर विधानसभा है। आज मैं नंबरदारों का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस यात्रा में इन्होंने अपनी भागीदारी करके अपने को ये भी गौरवान्वित महसूस करेंगे और हम भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। इन्होंने कहा है कि इस ऐतिहासिक रैली में इनकी संख्या अधिकतम होगी, इस विश्वास के लिए मैं इनका धन्यवाद करती हूँ।